जय श्री राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4:44 हो रहे हैं करीब। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज योर टेलीफोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप इट। अभी हो गया है शाम, मैं आज घर पे ही था बिकॉज सुबह मैं एडिटिंग कर रहा था वीडियो का। तो अभी मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो गया, मैं कल सुबह 8 वीडियो अपलोड करूंगा। और फिलहाल में मैं थोड़ा सा बैठा था तो मैं सोच रहा था कि आज मैं आप लोगों को अपने घर का रिव्यू दे दूं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि मैं फिलहाल में कहाँ रहता हूँ। पहले कहाँ रहता था ये मैं बाद में बताऊंगा कि मेरा गांव कौन सा है। वैसे मेरा गांव तो यूपी में पड़ता है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर करके, उसी डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गाँव है जिस गाँव का नाम है लोहेपर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन हम लोग करीब 3 से अभी पंजाब में रहते हैं। पंजाब में लुधियाना शहर के अंदर एक छोटा सा कॉलोनी बना हुआ है। अभी कॉलोनी बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, करीब 200-300 प्लाट कटे थे उस कॉलोनी में, और अभी लमसम 100 घर बने हैं करीब, ठीक है। उस 100 घर में एक घर मेरा भी है। तो अभी ज़्यादा मतलब विकसित नहीं हुआ है कॉलोनी, छोटा ही है। तो वहाँ पे हमारा एक घर बना है छोटा सा, मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा घर कैसा बना हुआ है वहाँ पे, और हम लोग कहाँ रहते हैं, कितना बड़ा घर है, छोटा सा घर है, प्यारा सा है, जो भी है अच्छा, हमारी फैमिली अच्छा से रह लेती है। तो चलो दिखाता हूँ आप लोगों को घर की, मेरा घर कैसा। तो गाइस, ये है मेरा प्यारा सा एक घर जो कि है पंजाब लुधियाना शहर के अंदर, एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं है, ठीक है। अभी नया ये कॉलोनी बना हुआ है, और ये है मेरा एक प्यारा सा घर। ये है मेरा आगे का फ्रंट का घर का नक्शा, कैसा है कमेंट में बता देना कैसा है। और ये मेरे घर के सामने जो है ना एक प्लाट है, तो उसमें हमने कुछ हरी सब्जियां लगा रखा है। ये है बैगन, इसमें मिर्च, भिंडी और अरवी की पत्ता, जो हम लोग पकौड़े बना के खाते हैं वो वाली अरवी है। तो ये बैगन है, बैगन में भी निकल रहा है, और मिर्च के पेड़ में देखें कितना सारा मिर्च फरा हुआ है इसमें, और भिंडी भी फर रहा है। भिंडी वैसे 2 पे एक बार निकल जाता है खाने को। और इसी में हम लोग ये क्या बोलते हैं तोरी लगा रखा है। और जो है तो घर का व्यू ऐसा है, ग्राउंड और फ्लोर 2 हैं। तो ये रहा मेरा साइड से घर का नक्शा, ऐसे है मेरा घर यहाँ पे, जो कि घर के आमने और घर के पीछे दोनों तरफ सड़क है, लेकिन अभी उतना बना नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ग्राउंड फ्लोर चल के, ठीक है। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे घर के अंदर, और घर के अंदर एंटर करते हैं ये फर्स्ट फ्लोर के लिए हमारा स्टेयर केस है, जहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, और यहीं से हमारा ग्राउंड फ्लोर अंदर के लिए एक डोर है लगा हुआ है, ठीक है। ये है ग्राउंड फ्लोर का कुछ नक्शा। अभी वैसे पता नहीं लाइट है कि नहीं है, देखता हूँ एक बार। ओके गाइस, तो लाइट है, तो अंदर करते हैं। ये मेरा रहा घर का फर्स्ट बेडरूम, बिकॉज अभी उतना डेकोरेशन नहीं हुआ, कलर भी नहीं हुआ, अभी नया नया बना है। क्योंकि बिकॉज हम लोग अभी 1 पहले रेंट पे रहा करते थे एक रूम में दूसरी कॉलोनी में, तो इसीलिए अभी कुछ बन नहीं पाया। 1 से तो ही बन ही रहा था, कभी काम चलता था, कभी बंद हो जाता था, कभी चलता था बंद हो जाता था, ऐसे ऐसे करके 1 हो गया। अभी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग अभी फिलहाल में 2-3 हुए शिफ्ट हुए यहाँ पे, लेकिन अभी कुछ ऐसा डेकोरेशन नहीं हो पाया घर का। तो अभी बस वैसे ही है, नॉर्मली जो है सो बेड लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, बस ऐसे ही चल रहा, ठीक है। ये रहा हमारा एक बाथरूम, हमारा एक और बाथरूम नहाने धोने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ एक हमारा दूसरा रूम है जिसमें भैया अभी फ़िलहाल में सोते हैं, वही रहते हैं, छोटा सा है, प्यारा सा है। और ये उसी के साथ एक और तीसरा रूम भी है जो ग्राउंड फ्लोर में है मेरा, वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है एक्सरसाइज के लिए, बस वही वैसे पड़ा हुआ है। और ये इसी के सामने एक हमारा किचन है, प्यारा सा किचन है, छोटा सा, इसमें हम लोग खाते बनाते हैं और रहते हैं, ठीक है। जो भी है सो यही है, देख लीजिए आप लोग कितना है, ठीक है, अच्छा है। हमारी फैमिली कोई बड़ी फैमिली नहीं है, तो 3 लोग के लिए, हम लोग के लिए सही है। मैं हूँ, मेरे बड़े भैया हैं और मम्मी हैं, बस 3 लोग हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये मेन गेट है, मेन गेट से एंटर करते ही आपको मिल जाएंगे स्टेयरकेस जो कि जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो चलो चलते हैं, ये हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, हमें कुछ ऐसा मिलता है। अभी यहाँ पे कुछ लगा नहीं है रेलिंग वगैरह, बिकॉज पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, और पैसे की प्रॉब्लम की वजह से अभी काम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ दिन रुक के ये भी काम कर लेंगे, ठीक है। ये रहा मेरा फर्स्ट रूम, ये है सेकेंड रूम जो कि लॉक किया हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं,
जो कि मैं आप लोगों को बताया नहीं कि जो मेरा फर्स्ट फ्लोर था ना वो पूरा हम लोगों ने प्लानिंग किया था रेंट के लिए, रेंट पे देने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 4 रूम है, 1 रूम हमारा ऑलरेडी रेंट पे है, 3 रूम अभी भी खाली है, जिसमें कि ये दूसरा रूम है, वो पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा रूम है और ये चौथा रूम है। तो अभी 3 रूम को हमने लॉक किया हुआ, बिकॉज वो जो रेंट पे रहते हैं लोग उनके बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, तो इसीलिए हमने लॉक किया हुआ है इसको। ये 2 वॉशरूम हैं, 1 टॉयलेट है इसमें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं अपना घर का जो रूफ टॉप है, छत है, वो दिखा देते हैं। यहाँ से हम सीधा निकलेंगे और फिर स्टेयरकेस से हम ऊपर जाएंगे छत के लिए। छत पे वैसे अभी धूप है, बिकॉज गर्मी का टाइम है तो धूप अभी ज़्यादा है। ये खुल गया, ओ कुछ ऐसा व्यू दिखता है छत से हमारे घर का। तो अभी कुछ हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ पाठ वगैरह हो रहा है भगवान जी के। तो कुछ ऐसा दिखता है सामने से हमारा घर का व्यू, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम लोग आते हैं, ये हमारा मेन सड़क है आने का फिलहाल में, जो प्लाट के हिसाब से जो हम लोग प्लाट लिए थे उसके हिसाब से ये वाला मेन सड़क है हमारे आने का। लेकिन ठीक इसके अपोजिट साइड में ये भी सड़क है हमारे लिए। यहाँ आपको दिखाएंगे कि अभी गाड़ियाँ चल रही होंगी, वो देखें एक बाइक वाला कोई जा रहा है। तो ये हमारे लिए मेन सड़क है, बिकॉज सड़क के थोड़ा पहले ही एक गवर्नमेंट का नाला है, तो नाले के वजह से जो ये सड़क है ना, जो ये सड़क है वो मेन रोड में कनेक्ट नहीं हो पाया है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट की ज़मीन तो नहीं ले सकते, तो इसके वजह से कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ये दो मंजिला का घर है ना, 2 मंजिला वाला घर, इसके साइड से ही हम कट करके और बगल बगल में जाते हैं, वहाँ से हमारा जो रोड है ना, वहाँ से हमारा रोड उसमें कनेक्ट हो गया फिर दोबारा, तो हमारे लिए ये मेन सड़क हो जाती है। बाकी घर के आगे पीछे दोनों तरफ सड़क है। अभी धूप थोड़ा ज़्यादा है तो कुछ अजीब सा लग रहा है, बिकॉज फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसा है, ये देखें साइड से, अभी बहुत सारे प्लाट इसमें खाली भी हैं, जितने भी दिख रहे हैं सारे प्लाट वैसे बिक चुके हैं, लेकिन प्लाट कुछ खाली हैं। आगे पीछे घर का ये व्यू आ रहा है कुछ इधर से देखें, बहुत सारे बिल्डिंग बन भी गए हैं, घर बहुत सारा बन गया है मैं आपको बताऊं, लेकिन बहुत सारे अभी खाली भी हैं। मैं आपको भी बता रहा था कि अभी इसमें ज़्यादा नहीं बने हैं, काफ़ी खाली हैं इसमें, लेकिन धीरे धीरे सारे प्लॉट बन जाने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है। तो गाइस कैसा लगा मेरा घर का रिव्यू? ये है मेरा घर, ये है पंजाब के अंदर लुधियाना शहर के अंदर, और अगल बगल का व्यू आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है, बिकॉज आगे का जो फ्रंट है ना पूरा खुला हुआ है, अभी यहाँ पे घर नहीं बना है, तो इसके वजह से जो भी हवा है ना फ्रेश एयर आता है, अभी जब तक बन नहीं रहा है तब तक बहुत ही कम्फर्ट मिलता है हम लोगों को। वैसे रात में बगैर फैन के ही सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतना गजब का हवा आता है, एकदम ठंडा ठंडा। तो फिलहाल में हम लोग यहीं रहते हैं, और आगे पीछे का सारा व्यू आपको दिखा दिया, ये ऐसा है, अभी पूरा खुला खुला सा इलाका है अभी चारों तरफ। तो यार अभी वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में बताना कि कौन सा पार्ट आपको अभी तक अच्छा लगा है, ठीक है। बस सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कर देना भाई को, वीडियो जाके लाइक कर देना यार, अपने दोस्तों से सब में शेयर कर देना, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करा दो यार चैनल को, अभी जल्दी जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है एक नई सुबह एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय श्री राधे।